लेकिन मैं कह रही थी इंस्टीट्यूट में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड टीचर हैं बिल्कुल कि हम बाकी हम लोग हाँ हमें टेस्ट लेना चाहिए अभी हम लोग है ना अब आई थिंक बाकी टीचर्स को भी बुला लेते हैं हम लोग स्टेज पे सुदेश जी एंड शकील भाई प्लीज आइए खैर सुदेश जी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं अभी मेरी एक फिल्म आई थी एंटरटेनमेंट मैंने की थी अक्षय के साथ में किसी को पता नहीं है ज्यादा प्रेस को भी कि उस फिल्म में पहले सुदेश जी को भी लेने वाले थे हाँ लेकिन उनका बजट क्या बोलते हैं डेट्स वेट्स का प्रॉब्लम हो गया था तो फिर हमने कुत्ते को ले लिया नहीं ये बिल्कुल ठीक कह रहा है ऐसा हुआ था हम बिजी लोग हैं बेले लोगों को ले लिया और वैसे भी अक्षय कुमार ने जितनी इज्जत कुत्ते की है तेरी नहीं की पोस्टर पे उसकी फोटो लगाई है कुत्ते की तेरी नहीं लगाई बेइज्जती कर दिया मैं आपको बस वाली बात बता दूं कौन सी बात एक दिन कुत्ता लेके बस चढ़ रहे थे तो कंडक्टर ने जोर से थप्पड़ मार दिया मैंने कहा सर जी आपको उसको मारना चाहिए था उल्टा कहते अगर मेरा कजिन साथ में नहीं होता ना मैं दिखाता इन लोगों को अरे कैसी बातें कर रहे हैं शकील जी शकील चलिए ना इतने सारे लोग बैठे आप में से एक भारती में शकील भाई के बारे में तुमको पता है इनकी दो शादियां है? दो शादियां गड़बड़ा गई अभी तो बोल रहे एक हुई नहीं नहीं वो गड़बड़ा गई हुई नहीं थी ना गड़बड़ाई कैसे वो पहली शादी जब हुई मैं बीवी के पास गया और कहने लगे मैं उससे पूछ लिया भाई घर बता के आए हो ना आज रात को नहीं आओगी तो कह रही अच्छा मैं बता के आते हो फिर वापस नहीं आई वो दूसरी शादी हुई तो कहने लगी जानू कुंडी लगा दो मैं बाहर से लगा के चला गया तो दोनों मसले हो गए थे फिर मैं जहाज में पहली बार बैठा था हाँ पता तुझे अरे हाँ मेरे साथ मैं भी साथ में था जहाज में पहली बार बैठा मैंने बोला शकील भाई आज पहली बार प्लेन में बैठ के आपको कैसा लग रहा है कहते हैं कोई ज्यादा फर्क नहीं है घर पे भी कोई मुंह नहीं लगाता यहाँ भी कोई मुंह नहीं लगा रहा ये भी बैठी थी जहाज पे अच्छा दो दफा जहाज सिर्फ यू हुआ चलो चलो फिर मोड़ के उसको कहने का बहन उतर जा मैंने उड़ना भी होता है क्या हुआ हम जहाज में बैठे ही नहीं कभी झूठ बोल रहे हैं ये भी बैठे मेरे साथ जहाज में अरे मेरे साथ पहली बार बैठे मुझे बोलते कृष्णा यार किसी ने बिल्कुल सही कहा ऊपर से नीचे देखो ना सब चींटियों जैसे नजर आते हैं मैंने थप्पड़ मारा मैंने कहा सर अभी प्लेन उड़ानी है वो चींटियां ही हैं तो यार तू मैं मेरी बेइज्जती करता हर जगह ये होटल में भी तू मेरी बेइज्जती कर रहा था मैं आपके साथ हूँ बोलो हाँ तो होटल में हरकत ऐसी करोगे ना इन लोगों ने फाइव स्टार होटल तो देखा नहीं नए नए पंजाब से आए हैं होटल में घुसते कहते हैं नहीं नहीं मैं इतने छोटे से कमरे में नहीं रुकूंगा मैं यहाँ नहीं रुकूंगा मैंने कहा सर ये लिफ्ट है आपको भी ऊपर लेके जाएंगे ये लोग ऐसे तो पागल सुदेश जी आप इतने कंजूस क्यों हैं इनके कंजूसी बताओ हाँ इनके भतीजे ने कहा मेरे को 20 रुपए दो वो क्या कहते हैं जारबन को नाड़ा खरीदना है चिंगम खींच के दे दी करे ये डाल ले और उसको कह रहे फेंकना नहीं हाँ। जब पैंट पहना वापस है ना उसमें अभी मिठास बाकी है तीन महीना चबाया एक बच्चे को फुला के भेज दिया नया गुब्बारा आया मार्केट के लिए ऐसे कंजूस हैं ये